ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। तुम्हारी हयात से बात हुई? जी मैडम। अच्छा, क्या कहती है? मैडम शायद वो ए लेवल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो लेवल नहीं करेगी? आप पता नहीं मैडम, उसे शायद अभी तक डिसीजन लिया नहीं। अच्छा, जरा फोन मिलाना उसको। जी। हेलो मिस हयात, मैं सिद्रा बात कर रही हूँ। क्या हो गया, इतनी तमीज से क्यों बात कर रही हो तुम? मैडम आपसे बात करेंगी। हाँ हयात, तुम्हें कितने साल लगेंगे डिसीजन लेने में? मैम कौन सा डिसीजन? अरे तुम अभी ज्वाइन कर रही हो ना, या फिर मैं कोई और अरेंजमेंट करूँ? मैम कर रही हूँ, मैं ज्वाइन कर रही हूँ। तो भाई आओ ना, घर बैठी क्या कर रही हो? अच्छा चलो, ये सिद्रा से बात करो, तुम जरा टाइमिंग और मीटिंग वगैरह उससे डिस्कस कर लेना। जी मिस हयात, आप कब तक आ सकती हैं? तमीजदार बहू, मुझे बताओ यार, वो उस खड़ूस ने कंप्लेंट नहीं किया क्या? ओके, आप आज आ जाएं। बताओ मैं क्या पूछ रही हूँ? जी जी, मैं स्कूल में ही होंगी। जी की बच्ची, मैं पूछ रही हूँ तुमसे कुछ। जी जी, 2 PM। जी बाय। चलो हो गई बात तुम्हारी? जी जी। जकी, हे जकी, हे, मैं क्लब जा रहा हूं, चलोगे? मैं तैयार हो के आता हूं। आओ जल्दी से, आओ, I'll wait outside, okay? मेरे हर सफर की है तू ही मंज़िल, मेरी हर लहर का है तू ही साहिल। वेटर। जी सर। ये रिमूव कर दो और मुझे लुशाना। जी सर। ये रहा आपका जुशाना सर। थैंक यू। और कुछ सर? अब बिल बता दो मुझे। सर आपका बिल तो हो गया। बिल हो गया? यस सर। किसने दिया बिल? सर हयात मैडम ने दिया, तो उन्होंने कहा था आप कैफे में जो भी खाएंगे उनका बिल वो पे करेंगे। किस खुशी में? दोबारा ज्वाइन करने की खुशी में सर। सर मैं तो कहता हूँ जो भी खाना है जो भी पीना है पी लें। सर सॉरी सर, अगर आपको बुरा लगा हो सर, गरीब आदमियों में जो मुझे बोला गया था मैंने वही बोला सर। हो गया काम? यस सर। जाओ यहाँ से। सर एक एडवाइस है, खा लें पी लें जो भी करने कर लें। सॉरी सर। हसन, आपको मेरे ज्वाइन करने की खुशी नहीं हुई? मुझे हरगिज नहीं पसंद कि मेरे जूनियर मुझे हसन हसन कहकर बुलाएं। आइंदा इस बात का ख्याल है। अरे आपका नाम हसन है तो हसन ही कह के बुलाऊंगी ना, अब प्रिंस चार्ल्स तो कहूंगी नहीं। हसन, सर सॉरी सर।
हसन सर, तुम पागल हो? कहां कहां से पंगा ले रही हो? क्या जरूरत थी ये सब करने की? सख्त जरूरत थी। मुझे धमकी दी थी ना कि मुझे ज्वाइन नहीं करने देगा। मेरा भी हक बनता है कि उसे फील कराऊं दैट आई एम हियर। तू किसी नतीजे पे पहुंचे हो या यूं ही टेनिस बॉल की तरह कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में? फिलहाल तो वहीं का वहीं हूं। हयात जानती है कि तुम इंटरेस्टेड हो उसमें? मेरा नहीं ख्याल। तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम इंटरेस्टेड हो या फिर एक दफा इन्फैटुएशन हो गया तुम? आपको क्या लगता है? मेरे लगने से नहीं होता। तुम अपनी बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? ओके, आई थिंक शी इज रियली इंटेलिजेंट। आई ऑब्वियसली लाइक हर। अगर वो मेरी लाइफ पार्टनर बनती है, हम साथ ग्रो करेंगे और मैं भी शायद स्मार्ट हो जाऊं। या फर्ज करो कि वो भी मान जाती है, तो निदा का क्या होगा? उसे मैं बता दूंगा, वो मान जाएगी। वो टूट जाएगी। इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। मुझे जितनी फिक्र तुम्हारी ही उतनी निदा की भी है। ये सच है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी और निदा की शादी हो। इसका ये मतलब नहीं कि वो खुदा नखवास्ता अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन तुम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हो। हयात के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब जब मेरी उससे मुलाकात हुई है, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। उसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट है, वो खोखली नहीं है, ठीक है ना? या है देखो, मैं नहीं चाहता कि निदा से तुम्हारी शादी हो, लेकिन अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें शादी निदा ही से करनी पड़ेगी। तुम अब इस शादी से नहीं भाग सकते। अभी अभी तो शुरुआत है। तुम आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। मना भी किया था कि शादी के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन अब तुम इस चक्कर में पड़ गए हो, खुद भी चकरा गए हो और मुझे भी चकरा दिया। उसे एहसास दिलाने के बजाय ना, तुम काम का एहसास करो। ये देखो कुछ लिस्ट है बच्चों की, इनके साथ तुमने सेशन लेना है। नाउ बी सीरियस और आगे बढ़ो। ओ लेवल्स, क्यों अल्लाह मियां जी, क्यों? मेरा लेवल इतना गिर गया है कि मुझे इस लेवल पे गिरा दिया है और उस खड़ूस को उस लेवल तक पहुंचा दिया है। वैसे ना मुझे साइको ही लगता है, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए उसे। हर वक्त जुशांदा पीता रहता है अंकल कहीं का। हसन सर, ये तुम दोनों के रिटन कंप्लेन है। प्रिंसिपल तक पहुंचा देना उसे।
See you soon. वाकई पागल है. लुक एट दिस. चिल करो, कुछ नहीं होगा. चलो बेटा, है रूखा सूखा नाश्ता करो और निकलो. कोई हाल नहीं है. बाबा, तुम्हें कैसे पता चला मैं आया हूँ? मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं. मैं समझी कि रिक्शे वाला है. तो चलो, मुझे रिक्शे वाला समझ के मेरे साथ आ जाओ. मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, मैं खुद चली जाऊंगी. ओ प्लीज. थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास? कहीं जाके नाश्ता कर ले. मैंने नाश्ता कर लिया है और वैसे भी मुझे 10 बजे पहुंचना है. ओके, थैंक यू.
Oh God. भाई why are you getting so excited? हर कोई कहता है कि लंदन की बारिश, गोरी और नौकरी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, किसी वक्त भी आ सकते हैं और किसी वक्त भी जा सकते हैं. तो ओके मामा, where are you? ओके मेरी बेटी आ रही है, I'll call you later. मैं जरा उसका थोड़ी सी गपशप लगा लूँ. ओके बाय. मामा आप कहाँ थी? अच्छा मैंने आपसे एक बात करनी है. जी मामा, मैं सोच रही थी कि आप लोग आ ही गए हैं तो क्यों ना मेरी शादी करवा दें. हो जकी का बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया? वो तो होता नजर नहीं आ रहा. भाई उसके वालिद साहब ने तो यही शर्त रखी थी. मामा अगर हम उसके उसके फादर के चक्कर में रहे ना तो ना मेरी शादी होनी और ना आपकी. जस्ट बाय द वे निदा, अब क्यों इतनी जल्दी पड़ गई है तुम्हें? जकी हयात को डेट कर रहा है. व्हाट? यस, मैंने दोनों को खुद देखा था. इससे पहले कि उनकी बात आगे बढ़े आप प्लीज मेरी बात आगे बढ़ाएं. क्यों बात आगे बढ़ाएं? इफ ही इज चीटिंग ऑन यू, लानत भेजो उस पे, बाहर निकालो उसे अपनी जिंदगी से. व्हाई यू सो डेस्परेट? तुम्हें लड़कों की कमी है? मामा आप ट्रेडिशनल माँ की तरह मुझे तसल्ली नहीं जकी दे, मुझे उससे शादी करनी है. ओके मगर वो तो तुम्हें चीट कर रहा है, फिर उसी से शादी क्यों करनी है तुम्हें? ये देखिए कि वो किसके साथ चीट कर रहा है. हयात के साथ. कोई और होती ना तो मुझे सीरियसली कोई मसला नहीं होना था. आर यू मैड? मामा आपको इतना भी गुस्सा नहीं आ रहा कि ही इज डेटिंग हयात? भाई मुझे क्यों गुस्सा आएगा? चीट करना मर्द की फितरत है. देखो अगर जकी तुम्हें छोड़ के दूसरी औरत की तरफ जा रहा है तो ये हयात का कसूर नहीं है, ये जकी का कसूर है. ये मेरा तजुर्बा है. तुम हयात को छोड़ो और जकी पे तवज्जो दो. कैसे मामा? उसे अपनी मोहब्बत से शर्मिंदा करो. देखो निदा बेटा, एक आदमी औरत के गुस्से से शर्मिंदा नहीं होता बल्कि और दरिंदा बन जाता है और फिर हर रिश्ते को चीर फाड़ के आगे निकल जाता है. ये जो फिलॉसफी है ना मामा, वो अपने पास रखे और जाके जकी के पेरेंट्स से बात करें. मैं शादी के बाद खुद ही चीर फाड़ लूंगी. ओके अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सोचने दो. सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है. निदा डोंट बी इम्पेशेंट, मैं कुछ करती हूँ, मैंने कहा है ना. अच्छा अच्छा जाओ जाओ बेटा. यू नो व्हाट, डोंट टॉक टू मी एवर अगेन. आई हेट यू, डोंट टॉक टू मी. गॉड गॉड क्या बनेगा इस लड़की का. हयात, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार. आप उस वक्त से यहीं थे? नहीं नहीं मैं अभी 10-15 मिनट पहले आया. आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता. नहीं मैं खुद चली जाऊंगी. चला तो मैं भी जाऊंगा लेकिन जब तक हूँ क्या हम साथ नहीं चल सकते? आओ. स्कूल कैसा रहा? ठीक जा रहा है. कब से काउंसलिंग कर रही हो यहाँ? ये भी आपको जकी ने बताया होगा. हाँ. भाई बात सुनो, कितने का है? जी 200 रुपए. ये लो मैं देता हूँ. मैं दे है मेरे पास. मेरे पास भी है ना, क्या हो गया? थैंक यू. कहीं लंच पे चले? नहीं मुझे कहीं जाना है. अगर ज्यादा देर नहीं लगनी तो मैं इंतजार कर लूंगा. देर भी हो सकती है, जल्दी भी फ्री हो सकती हूँ, सिचुएशन पे डिपेंड करता है. ठीक है तुम वहीं चलो जहाँ तुमने जाना है, मैं इंतजार कर लूंगा. वहीं जा रही हूँ.
बहुत अच्छे हैं फूल, सारी गाड़ी फूलों से महकने लगी है। तुम्हें अच्छे लगते हैं ना फूल? जी नहीं, अम्मी को बहुत पसंद है फूल। आज उनकी बरसी है। मैं तो पाकिस्तान आना भी नहीं चाहता था और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहां वापस कभी आऊंगा। मैंने तो यह भी वसीयत कर दी थी कि मैं जहां जहां कहीं भी मैं मेरा आखिरी वक्त आ जाए मुझे उसी मुल्क या उसी शहर में दफना दिया जाए। लेकिन फिर भी जिंदगी मुझे वापस ले आई। कई चीजों पे हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, बस हो जाती है। शायद इसलिए कि जो गलतियां हमसे हुई हैं उन्हें हम सुधार सकें, अपने अगले सफर में जाने के लिए अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें। एक ग्लास पानी मिलेगा? जी मैं लाती हूँ। अगर गर्म पानी हो तो बेहतर होगा। उसमें ग्रीन टी भी डाल देना एक। गैस को भी आज ही कटना था। गॉड, ओह गॉड।
समीना को क्या हुआ था? वही जो आजकल हर दूसरे इंसान को हो जाता है, वो कैंसर। लास्ट स्टेज थी जब हमें पता चला। डॉक्टर्स ने तो कहा था कि 6 महीने का वक्त है, लेकिन अम्मी 4 महीने में एक्सपायर हो गई। लोग गुजर जाते हैं, एक्सपायर नहीं होते। जी, वही गुजर गई। चीजें एक्सपायर होती हैं, रूहें एक्सपायर नहीं होती। कभी तुम्हें एहसास हुआ है कि समीना भी यहीं कहीं तुम्हारे साथ रहती है? ऐसा महसूस ना होता तो कब की इस घर से चली जाती। इस घर में मेरा सब कुछ है, मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरी अम्मी का गुजरना, मैं भी यहीं पे मरना चाहती हूँ, इसी घर में। आपके पास जकी का सेलफोन नंबर है? हाँ है। Do you want it?